देश में कोरोना केसों का आंकड़ा घटने लगा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी डरा रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड के 67,597 नए मामले आए, 1,80,456 रिकवर हुए, 1,188 लोगों की कोरोना से मौत। संसद का बजट सत्र, पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब, कहा 75 साल से तेजी से काम कर रहे, कोरोना 100 साल की सबसे बड़ी महामारी। मिशन विधानसभा चुनाव पर पीएम मोदी, 3 चुनावी राज्यों में बीजेपी के लिए किया प्रचार, उत्तराखंड, पंजाब और यूपी की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। बीजेपी ने जारी किया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र, गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र, सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी संकल्प पत्र में ऐलान किया गया 5,000 करोड़ रुपए में चीनी मिलों का नवीनीकरण किया जाएगा, साथ ही 5 साल में सभी किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 फरवरी को गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे, बता दें कि 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स और सपोर्टर्स से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव को ममता का समर्थन, ममता बनर्जी बोली, मैं चाहती हूं यूपी चुनाव में सपा की जीत हो। ममता बनर्जी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लिए जनता से वोट मांगे। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी किया मैनिफेस्टो, अखिलेश बोले सभी किसानों को 2025 तक करेंगे कर्ज मुक्त, किसानों को भी मुफ्त बिजली। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई, थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने पूरे भाषण में कांग्रेस पार्टी पर हमला करते रहे, ये बहुत ही राजनीतिक भाषण था जिसमें कांग्रेस पर हमला करने के लिए बड़ा हिस्सा था। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले का नया वीडियो मिला है, इस वीडियो में ओवैसी की गाड़ी दिख रही है, हमलावर भी गोली चलाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आरोपी सचिन की कबूलनामे वाला वीडियो भी सामने आया। कांग्रेस के चिंतन शिविर में विधायकों से ओपन सत्र, मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों से कहा आपने मुझे अपना कैप्टन बनाया है, मैं चाहता हूं कि मेरा हर खिलाड़ी बेस्ट खेले। गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र कल से, विधानसभा नापक्ष लॉबी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक, वसुंधरा राजे, कटारिया और पूनिया की मौजूदगी में सत्र को लेकर रणनीति बनी। खत्म हुआ राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार, आलाकमान ने फाइनल की बोर्ड और निगमों के चेयरमैन की सूचना, आज या कल किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। मुंबई एटीएस की बड़ी कामयाबी, टीम ने पिस्टल खरीदने बेचने के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की पत्नी राजनीति में सक्रिय नहीं है, वो कभी कभी चुनावी मंचों पर नजर आती है। अब जबकि पश्चिमी यूपी से चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, तो इस दौरान जयंत चौधरी की पत्नी चारू ने भी रैली की और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि गंगा में तैरती लाशें सबने देखी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दुकान में सामान खरीदने गई एक 16 साल की नाबालिग से दुकानदार ने दुष्कर्म किया, बाद में उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करके उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। बदमाशों ने पटना में दिनदहाड़े एक चाय बेचने वाले के सीने में गोली मार दी, बदमाश ने चाय के पैसे मांगे जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा किया। पटना पुलिस इस मामले में घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में जुटे। मध्य प्रदेश के गुना जिले में मोबाइल फोन चोरी करने के संदेह में 2 लोगों ने कथित तौर पर एक दलित व्यक्ति के कपड़े उतारकर उसकी डंडों से पिटाई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने नकली वीजा बनाने वाले 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया। अरुणाचल प्रदेश में देश के रक्षकों पर मौसम भारी पड़ा, बर्फीले तूफान में फंसे भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हो गए। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में गुजरात स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला, 49 लोगों को माना दोषी, सबूत के अभाव में 28 बरी, दोषियों की सजा का ऐलान मंगलवार को। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, रिलायंस
राज्य सरकार के साथ 1 करोड़ के निवेश की आक्षेप पत्र पर हस्ताक्षर कर चुका है। सीएमआर में मुख्यमंत्री गहलोत की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। प्रदेश बीजेपी रीट लेवल 2 परीक्षा निरस्त करने के बाद भी सरकार पर हमलावर है और रीट धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जयपुर में गांधी सर्किल पर धरना दिया। सपा के दिग्गज नेता और यूपी चुनाव में रामपुर से विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बेल देने से ही इनकार कर दिया। कर्नाटक में मुस्लिम लड़की के सामने भीड़ ने लगाए जय श्री राम के नारे तो युवती ने अल्लाह अकबर के जरिए जवाब दिया। हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला। कोर्ट ने कहा भावना से नहीं हम कानून से चले। अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को शिरूडीही उत्खनन कार्य में बाधा डालने और सरकार कार्य में बाधा डालने समेत अन्य आरोपों से बरी कर दिया। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में मामूली सी कहासुनी को लेकर हत्या कर दी गई। दरअसल स्पीकर पर गाना बजाने को लेकर झगड़ा हुआ था। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस दौरान एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। कोरोना के मद्देनजर मेयर किशोरी का बड़ा ऐलान, कहा कि महीने के अंत तक मुंबई को पूरी तरह अनलॉक कर दिया जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाना है। ये पहली बार है जब विराट कोहली कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में खेल रहे हैं। इस बीच पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने उनको लेकर बयान दिया कि विराट कोहली का फोकस ठीक नहीं था, वो चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात ईएसआई विभव तिवारी ने सिर्फ 9 महीने में करीब 50 किलो वजन घटाकर एक मिसाल पेश की। ईएसआई विभव तिवारी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे जो मोटापे की समस्या झेल रहे हैं। राजधानी के चौमू हाउस सर्किल पर बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 15 लाख रुपए लूट कर बदमाश भाग गए। अशोकनगर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। टेलीविजन जगत से एक बहुत ही दिल दुखाने वाली खबर सामने आई। बीआर चोपड़ा के मशहूर सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले शानदार एक्टर प्रवीण कुमार का निधन हो गया। मशहूर हरियाणवी सिंगर सरिता चौधरी की शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर पर मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अडानी विल्मर आईपीओ ने निवेशकों को निराश किया। बाजार का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से करीब 4% गिर कर अडानी विल्मर के शेयरों की लिस्टिंग हुई। बारंग के मांगरोल में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई की और इस दौरान 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर एनडीपीएस एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में एसपी के निर्देशन में साई वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया और आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। झुंझुनू में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पर हुए हमले को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा इकाई ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम का जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सवाई माधोपुर के दतुली गांव में जमवाए माता मंदिर के दूसरे वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भामाशाह मेघराज सिंह ने मंदिर के विकास कार्य के लिए 5 लाख रूपये की सहायता राशि। श्री गंगानगर के गड़साना में ट्रॉली के नीचे दबने से 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। श्री गंगानगर में पुरानी रंजिश को लेकर बुजुर्ग के साथ मारपीट हो गई, जिसके बाद उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं मृतक के पुत्र ने थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने आरबीएल बैंक के एटीएम को निशाना बनाने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। झुंझुनू कलेक्ट्रेट में बीजेपी एससी एसटी मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। कोटा में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पर हुए हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांगो थाने के बाहर पुतला जलाकर प्रदर्शन किया और सख्त एक्शन लेने की मांग की। डूंगरपुर के बलवाड़ा फाटा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको गंभीर हालत होने से उदयपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।
डूंगरपुर की मनपुर घाटी में एक जरक घायल हालत में मिला है, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू किया और पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया। झुंझुनू में जिला मुख्यालय पर विकास झाकड़ के नेतृत्व में युवाओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार से परीक्षाओं में हो रही धांधली में सीबीआई जांच की मांग की। उदयपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सतीश पुनिया पर कांग्रेस पार्टी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एबीवीपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाए और शहीद वीरों के लिए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झुंझुनू के जसवंतपुरा में 10 साल की नाबालिग का शुगर लेवल बढ़ने से उसे गंभीर हालत में सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां 5 दिन के इलाज के बाद बच्ची एकदम स्वस्थ हो गई। 12 में 3 दुकानों में आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। हादसे में पौने 3 लाख का सामान जलकर राख हो गया। रतनगढ़ के रुखासर में दलित युवक के साथ मारपीट मामले में अन्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध हुआ, जहां राष्ट्रीय सर्व मेघवंशी महासभा इकाई और राष्ट्रीय वंचित लोकमंच के सदस्यों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। रावसर नगर पालिका की बजट बैठक नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 39,88,04,000 रूपये का बजट वर्ष 2022-23 का ध्वनिमत से पारित किया गया। धौलपुर में आचार्य विनर्म सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति कोरोना मुक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में आरएलपी ने रीट भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की मांग की गई। हनुमानगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय को एम्बुलेंस की सौगात दी। इस दौरान विधायक चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर एएलएस एम्बुलेंस को जनता की सेवा के लिए रवाना किया। कोटा के जेडीबी कॉलेज में छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं ने बंद पड़े हॉस्टल को खोलने की मांग की। सवाईमाधोपुर के मकसूदपुरा गांव में चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सवाईमाधोपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है, जिसके तहत खाद्य विभाग की टीम ने बोली पहुंचकर खाद्य पदार्थों के सैंपल। बारां के टांचा में मधुमक्खियों के हमले से 5 व्यक्ति घायल हो गए, ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। झालावाड़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष पर हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही रीट परीक्षा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की मांग की। जोधपुर के सरकारी स्कूल में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां स्कूल में अब तक कुल 324 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जैसलमेर के बैंक में कई दिनों से सर्वर डाउन होने की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, जिसके चलते बैंक में सारा कामकाज ठप पड़ा है। धौलपुर जिले में 2 अलग अलग बाइक दुर्घटनाओं में दोनों बाइकों पर सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी के तालेड़ा में एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के आपत्तिजनक बयान देने का विरोध जताया। धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा की। 12 में बीजेपी के एसी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सतीश पुनिया पर हुए हमले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। 12 के मांगरोल में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू कर दी। सीकर में एसएफआई छात्र संगठन ने सेना भर्ती रैली कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द रैली आयोजित नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। प्रतापगढ़ में एसपी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने हेलमेट विक्रेताओं की दुकानों का आईएसआई हेलमेट को लेकर दौरा किया। साथ ही लोगों से यातायात नियमों की पालना करने के लिए आग्रह भी किया। ब्यावर में गुप्ता कलर लैब में हुई चोरी के मामले में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, जिसको लेकर फोटोग्राफर एसोसिएशन ने ज्ञापन देकर चोरी के मामले में गंभीरता से जांच की मांग की। टोंक में तालाब के पास हुए अतिक्रमण की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर जा रहा है, जिसको लेकर पार्षद अशरफ और समाज सेवी लुकमान ने कोर्ट में पीआईएल लगाई है। उदयपुर में सोनी समाज ने शादी से पहले बेटी की घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली। साथ ही समाज ने बेटी और बेटे में समानता को लेकर अनोखी मिसाल पेश की।
जयपुर के विश्वकर्मा थाने में एक पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। नागौर के मिड़ता में केंद्रीय बजट को लेकर नगर पालिका की तरफ से बैठक की गई। इस बजट का उपयोग शहर के विभिन्न विकास कार्यों में करने को लेकर अधिकारियों में चर्चा हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। झेवड़ी पंचायत समिति सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साप्ताहिक बैठक हुई। बैठक में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। मंडावा विधानसभा के लूणा गांव में विधायक रीटा चौधरी ने जरूरतमंद परिवारों की मदद की। रीटा चौधरी ने परिवार के सदस्यों को 11,000 रूपये दिए। झुंझुनू बीड़ी के अस्पताल में गंभीर हालत में एक युवक भर्ती हुआ। युवक के सिर और हाथों और पैरों पर गंभीर चोट के निशान है। यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात टीम ने अभियान चलाया, जहां कार्रवाई के साथ साथ समझाइश का भी प्रयास किया गया। मेड़ता सिटी में ग्राम इंदावर्ड के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में शिक्षा पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने स्वागत गीत गाए, अतिथियों का अभिनंदन किया। मेड़ता को मुख्यमंत्री द्वारा ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिल चुकी है, लेकिन भवन निर्माण को लेकर मामला पेचीदा बनता ही जा रहा है। रायसिंह नगर की हांडा कॉलोनी के पास सोमवार देर शाम एक युवक पारिवारिक कलह के चलते शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई। सिरोही के गांधी चौक गोल बिल्डिंग में नगर पालिका द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां विधायक संयम लोढ़ा, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संगीत प्रेमियों के साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। बनियाना के चैनपुरा में किसान की 14 भेड़ बकरियों का सुअरों ने शिकार किया। मामले की फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद एक्शन नजर आया। भनियाना एसडीएम राजेश विश्नोई ने तुरंत पीड़ित किसान की भेड़ों का पोस्टमार्टम कराकर मदद का आश्वासन दिया। धौलपुर के दूंकापुरा गांव के पास दो बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइकों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। डिडवाना में सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों की लेट लतीफी नजर आई। ऐसे में कार्यालय में कैमरे लगाए गए, जिसके डर से कुछ कार्मिकों ने टाइम की पालना करना शुरू कर दिया। नागौर के रियाबड़ी में सहारा इंडिया के कार्मियों ने सेबी की हठधर्मिता में फंसे हुए 24,000 करोड़ को दिलाने की मांग की। राजसमंद में जयपुर के आईजी वीके सिंह ने दौरा किया और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक ली। भरतपुर के बयाना में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद के अनूपपुरा गांव में मार्बल खदान में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चर में रखवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। डूंगरपुर में बीटीपी के हाथों गंवा चुके वोटों को कांग्रेस ने फिर साधने की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान जदेला के ग्रामीणों से कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने बैठक की। बांसवाड़ा में चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। बारां की एक शादी में नाच गाने के चलते झगड़ा हो गया, जिसमें एक घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। नागौर में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विकास अधिकारी को बताया और बैठक ली। झुंझुनू में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर कार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें गंभीर चोट आने पर उसका उपचार जारी है। वहीं घायलों के भाई ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। अलवर में जिला कलेक्टर की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गई, जिसके क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू कर दी। नागौर के लारदू में शराब के ठेके को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे।
डिडवाना की सेना भर्ती में पिछले दो सालों से हो रही लेट लतीफी पर ग्रामीणों ने रोष जाहिर किया, जिसको लेकर युवाओं ने रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के सरदार शहर में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री गहलोत के रीट परीक्षा दोबारा करवाने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, उनके लिए फिर से नई उम्मीद जग गई है।